इधर तू पढ़ाई करने वाला था ना? हाँ मम्मी, थोड़ी देर बात करता हूँ। वेदर, तू भैंस के बारे में कुछ बोल रहा था ना? तुम्हें पता है सन 1951 में भारत में 434 लाख भैंसे थे। भैंसों का हिसाब लगा के इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिल गई। हाँ, सन 1951 में भारत में 434 लाख भैंसे थे, और तब 1951 में भारत की जनसंख्या 38 करोड़ थी। तो 2019 में भारत में 1099 लाख भैंसा थे। तो भारत की जनसंख्या 136 करोड़ थी। हाँ आजादी है भाई, कितने भी बड़ा हो जनसंख्या, क्या फर्क पड़ता है। तो सब लोग बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हैं क्या? हाँ, लोग तो केमिकल को अमृत समझ के चाट चाट के खाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 87% लोगों को पैकेट के दूध से कैंसर होने की संभावना है। हम रोज क्या खा रहे हैं उसमें स्लो पॉइजन है क्या, ये देखना जरूरी है। क्या फर्क पड़ता है, लोग तो खाते ही रहते हैं। पहले केमिकल खाएंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। नहीं मम्मी, ऐसा कैसा? केमिकल को कोई डरने को तैयार ही नहीं बेटा। खाद्य पदार्थ को परख के मार्केट में कौन खाता है आजकल? परख से किसको फर्क पड़ता है? और डेड बॉडी न सड़ने के लिए यूज किए जाने वाली केमिकल की पाउडर बैग के दूध में इस्तेमाल करते हैं। कलर बनाने की रेसिपी है कि दूध की रेसिपी बोल रहा है तू? दूध की है मम्मी। आर्टिफिशियल हर खाद्य में केमिकल है जो स्लो पॉइजन है, और यही वास्तव है। अरे आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दूध से तो मेरी सुधी खो गई। वास्तव ये भी है कि लोगों को दो टाइम का खाना भी नहीं मिलता। हमारा तो बस एक ही रूल है, बस खाना टेस्टी होना चाहिए। फिर केमिकल भी आराम से घटा लेते हैं क्या?